पुरानी कहावत है कि दुनिया में बदलाव लाने का साहस और दम सिर्फ ऐसे लोगों में होता है जिन्हें अपनी मंजिल के आगे कुछ दिखाई नहीं देता। पत्रिका के खास सेगमेंट पर्सन ऑफ द वीक में ऐसी ही एक महिला के बारे में बता रहे हैं जिनका नाम है गीता तेवतिया। इनकी जिद ही थी कि जिसने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता तक पहुँचा दिया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खेल और फिटनेस का महत्व अमूल्य है। यदि हम खेल में भाग लेते हैं तो हमारे अंदर टीम के साथ कार्य करने की भावना में बढ़ोतरी होती है। इससे रणनीतिक और विश्लेषणात्मक सोच, नेतृत्व कौशल, लक्ष्य निर्धारण और जोखिम लेने का गुण विकसित होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ और फिट होगा तो वह एक स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेगा। हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेल अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। खेल की आवश्यकता को समझते हुए केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया है। कई खिलाड़ी इससे प्रेरित होकर खेलों में दिलचस्पी ले रहे हैं, मगर आर्थिक परेशानी उनके राह में रोड़ा बन रही है। गीता तेवतिया इनमें से एक हैं। दरअसल बुलंदशहर के देवीपुरा की रहने वाली गीता ने पहले कबड्डी में हाथ आजमाया था, लेकिन इस खेल में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिली। इस कारण उन्होंने वर्ष 2015 में कबड्डी से मुंह मोड़ लिया। वहीं वर्ष 2017 में उनकी शादी हो गई थी और फिर उनको गुलावटी ब्लॉक के गनौरा सेख में महिला टीचर के पद पर तैनाती मिली। वह वहां गेम्स टीचर के पद पर तैनात हुई। इसके बाद वह वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में उतरी और 2018 में फिटनेस सेंटर में पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी। पावर लिफ्टिंग में गीता अब तक कई मेडल जीत चुकी हैं। पिछले साल नवंबर में ही उन्होंने दिल्ली में नेशनल बेंच प्रेस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने 82.5 किलो भार वर्ग में हिस्सा लेकर अपना लोहा मनवाया था। अब उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। उन्होंने पावर लिफ्टिंग में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर अपनी छाप छोड़ी है। एक अध्यापिका की इस हिम्मत और लगन को प्रोत्साहित करने के लिए बुलंदशहर डीएम ने उनको 25,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित भी किया है। पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी गीता तेवतिया का कहना है कि वह गुलावटी ब्लॉक के स्कूल में टीचर हैं। उनका चयन पावर लिफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। प्रोत्साहन राशि को लेकर उन्होंने कहा कि इस खेल में 2-2 लाख खर्च करने पड़ते हैं, इस राशि से उन्हें कुछ मदद मिलेगी। उनका कहना है कि वह 320 किलो वेट उठा लेती हैं। सरकार को चाहिए कि गीता जैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें और उन्हें आर्थिक परेशानियाँ जो दिक्कतें हो रही हैं उससे निजात दिलाएँ। सर, मेरा नाम गीता तेवतिया है। मैं गनौरा शेख में जूनियर हाई स्कूल में गेम्स टीचर हूं, जो कि गुलावटी ब्लॉक में पढ़ता है, और पावर लिफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा चयन हुआ है। उसके लिए डीएम सर ने मुझे 25,000 रुपये का चेक दिया है। इससे पहले आप जो पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल आपका चयन हुआ है जी, इससे पहले आप कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर चुकी हैं? सर, अभी मैंने 23 नवंबर 2019 को दिल्ली में जो आयोजित हुई थी नेशनल बेंच प्रेस, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, 82.5 गोल्ड की है। ये मेरा अपना विश्वास है कि मेरी इतनी मेहनत है कि वहाँ मुझे गोल्ड मिले। तो बुलंदशहर का और अपने प्रदेश का नाम? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बुलंदशहर का और प्रदेश का नाम तो रोशन खैर हम कर ही रहे हैं। अब ये कोई समझे ना समझे, लेकिन ये हमें पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रोत्साहन राशि मिली है जिला प्रशासन की तरफ से, इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये सर, ये मान लीजिए कि जहाँ हम लोग को 2-2 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं, उसमें हमारा कम से कम कुछ तो सपोर्ट हुआ है।